गाइस अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी का सीन देखो आप लोग यार, कितना खूबसूरत दिख रहा है। पूरा चारों की चारों तरफ बारिश ही बारिश, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। गुड इवनिंग दोस्तों, सो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ, आपका भाई आ चुका है एक और वीडियो के साथ एक नई लोकेशन पे। सो गाइज वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, काफ़ी चलने के बाद हम लोग एक फॉरेस्ट में आ चुके हैं, तो आप सामने का व्यू देख सकते हो कि पूरा का पूरा जंगल है और चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रखी है और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। सो गाइज आज रात को मैं नाइट कैंपिंग यहीं करने वाला हूँ, और सो मेरे दो फ्रेंड भी आ रखे हैं मेरे साथ, जो कि अभी थोड़ा सा नीचे रुक रखे हैं। तो गाइस अभी थोड़ा सा ये लोकेशन मेरे को अच्छी सी लग रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये पेड़ पौधे थोड़ा सा हमको काटने पड़ेंगे, टेंट के लायक बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस मिलता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे थोड़ा हमारी गाड़ी स्लिप हो चुकी है, तो यहाँ पे विपिन भैया गिर चुके हैं, थोड़ा सा गाड़ी स्लिप हुई यहाँ पे, तो फटाफट से पहले गाड़ी, कोई नहीं उठाओ आराम से, चोट तो नहीं लगी ना बाबा, आराम से स्टैंड लगा लो। सो गाइस फिर गई, उठा लो आराम से ना पत्थर पे कर लो। तो फ्रेंड्स, गाड़ी यहाँ से चढ़ी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा टायर स्लिप हो गया था, तो यहाँ पे भैया गिर गए थे, बट चलो कोई नहीं, चोट चाट नहीं आई और गाड़ी को भी नुकसान नहीं हुआ कुछ, चलो तो फिर। हाँ गाइस, बारिश की वजह से आप लोग देख सकते हो गाड़ी किस तरीके से स्लिप कर रही है, बट हमारे साथ भी हैवी ड्राइवर है, जैसे तैसे करके गाड़ी चला ही लिए, आराम से। सो गाइस फाइनली हमारी लोकेशन पे हमने गाड़ियाँ भी लगा दी है अपनी, बहुत मुश्किल हुई गाड़ी चलाते टाइम, बट अभी गाड़ी पार्क कर दी हमने यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपना टेंट पिच करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत साफ सफाई तो कर ली है, तो गाइज अब शाम भी रात होने वाली है, तो गाइज रात होने से पहले अपना टेंट पिच कर लेते हैं। तो गाइज फटाफट से पहले अपना टेंट पिच करते हैं, सामान तो वहाँ फेंक रख। बारिश कितने बजे स्टार्ट हुई थी पता भी है? अब क्या फायदा आपका जाने का फायदा? वो तो मैं देख के आ गया बाबा।
सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हमारे टेंट पिच हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस साइड को मेरा टेंट लगा हुआ है और इस साइड को रवि भैया का टेंट लगा हुआ है। गाइस, हमने पूरा का पूरा सेटअप तो कर दिया है। तो गाइस, अब थोड़ा बहुत अपनी गाड़ियाँ वगैरह सेट करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत हम चाय बनाएंगे। सबसे पहले हम चाय बनाएंगे। गाइस, अब बनाते हैं चाय। सो फ्रेंड्स, अब फटाफट से चाय बनाते हैं पहले, क्योंकि हमारे रवि भैया को प्यास लग गई है। अब उनको चाय पिलाते हैं, पानी की जगह हम उनको चाय पिलाते हैं। सीधा चाय की तलब लग चुकी है उनको। बहुत सब्जी वाले, सब्जी ले लो, सब्जी वाले। क्या है इसमें? आलू, प्याज, खीरा, मटर, टमाटर। देख ना रवि, क्लियर आ रही है? कुछ डॉक्टर नहीं रहा पीछे, देख इसमें। बहुत हाथ में रहेगा, उस दिन का अभी तक दर्द बन गया, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। सही आ रही? ये कैमरा देखना चाहिए सब्जी वाले का। देखो ये पतीला, पतीला तेरे बगल में। तो भाई अभी बनाते हैं हम चाय। चाय पीते हैं। इसमें बनाएगा चाय? तो फ्राई पैन नहीं है? फ्राई पैन नहीं है। आज बाइक के उधर खड़ी है, लाइट लगी है। ब्रेड फॉर्म टोस्ट बनाना, थोड़ा उधर करते, इधर आँच नहीं आ रही। और सामान का चीनी चाय पत्ती का फ्रेंड्स, अभी का सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग चीनी चाय पत्ती और अंडे वगैरह नीचे ही भूल गए थे, क्योंकि नीचे गाड़ी चढ़ाते टाइम रवि भाई ने वीडियो शूट करी थी वहाँ से, तो हेलमेट भी वहाँ भूल गए थे और चीनी वगैरह भी। अभी हम लोग लेके आ चुके हैं, बस चाय बनाते फटाफट से। ये छोटा है ना, इसमें आराम से पीजिएगा। तो काम करिए, ऐसे बनाइए। क्वालिटी की देख लीजिए इसकी, कैमरे की बढ़िया। रुकना, अब डाल, क्या डाल रहा? रुकना, इसमें मेरे को लगा चींटियां भी थी भयंकर। ले बहुत सही थी चाय में, इसमें चीनी इसमें कर, बहुत सही डाल दिया। ये तो बहुत सही वीडियो बनाती, हल्की सी और डाल दे। ये देना इसमें अंडा फोड़ने, रुक जाओ ना, वो गंदा हो गया। तो दो चक्स में रहने, इसमें कर दूं ठीक है। ये वीडियो बन गया, अंडे फोड़ने की बहुत जल्दी लगी। पहले प्याज काटने दो जरा थोड़ा सा। यहाँ पे अब हम बनाएंगे चाय के साथ ब्रेड ऑमलेट। तो अभी रवि भाई फोड़ रहे हैं अंडे और इधर मैं तब तक काट लेता हूँ प्याज टमाटर। मेरे फोन में दिखा दो, चक्कर भी आ रही, रो भी आ रही ना। खेल क्यों कर रन के साथ, ऐड कर लेना। चल
टमाटर प्याज बंद कर दी मैंने। ऐसे में ऑमलेट बना रहे इसमें इसमें ऑमलेट ब्रेड रखी है ना पूरा अंडा अंडा हो रहा है ये ना पूरा ले आ जाए धीरे धीरे डाल 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 इसको पकड़े हो इधर टैंड में पानी घुसने लगेगा अभी से इधर को पकड़ो वो भी भयंकर कलाकार आदमी है ठीक वहीं पे धो रहा है ला दे अब हो गया ना ओए पानी पट्टा बस बस बंद कर दो है अरे मसाला निकाल के सो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट रेडी हो चुके हैं और साथ में अपनी कॉफ़ी तो फटाफट से इनको फिनिश करते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। सो गाइस अभी आप देख सकते हो अंधेरा भी हो चुका है और यहाँ पे रवि भाई और इधर विपिन भैया अपना ट्राइपॉड सेट कर रहे हैं और गाइस सामने देख सकते हो यार कितना हॉरर जंगल है और पूरा अंधेरा छा चुका है चारों तरफ सन्नाटा छा चुका है। तो गाइस अब फटाफट से चाय और ब्रेड ऑमलेट फिनिश करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी आ चुका हूँ मैं टेंट के अंदर तो अभी हमारी चाय बनके रेडी भी हो चुकी है और हमने साथ में ब्रेड ऑमलेट भी बना दिए हैं। तो गाइस अब फटाफट से ब्रेड ऑमलेट और चाय खाते हैं। ये मुझे लेके आए हैं बर्तन धुलवाने के लिए इससे अच्छा था सोलो। फ्रेंड्स अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अब खाना बनाने की तैयारी हो रही है और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है तो गाड़ियों की लाइट हमने ऑन कर दी है और इस साइड को भी रवि भाई धो रहा है बर्तन तो ये स्पेशल हमने बर्तन धोने के लिए ला रखे हैं। चेहरे की खुशी देखो बंदे की एक वॉचिंग मत करना इसमें एक वॉचिंग इसी वीडियो में अगर एक वॉच अभी आया ना लाइव चला लाइव। सो फ्रेंड्स सब तक यहाँ पे रवि भाई बर्तन धोते हैं उसके बाद वो चावल भिगोने के लिए रख देंगे क्योंकि आज हम बिरयानी बनाने वाले हैं वेज बिरयानी तो तब तक मैं प्याज वगैरह काट लेता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी वेजेस वगैरह काट ली है इनको धोने के लिए रख दिया है। वेजेस में मैंने गाजर काटा है शिमला मिर्च और थोड़ा ये बीन्स वगैरह काट रखे हैं मैंने और इस साइड को चूल्हे पे चढ़ा दिया हमने पतीला तो अभी हम इस पे इन सबको वेजेस को अच्छी तरीके से भूनेंगे उसके बाद चावल डालेंगे और बनेगी वेज बिरयानी। चढ़ा दिया है डाल दिए प्याज सारी सब्जियाँ डाल चुका हूँ इसमें तो फ्रेंड्स इसमें देखो चावल डाल रहे हैं सारे अभी डालेंगे इसमें पानी और उसके बाद इसकी फ्रेंड्स अभी देख सकते हो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में तो खाने में भी और भी स्वादिष्ट होने वाला है। तो भाई इसका अब सारे मसाले वगैरह हमने इसमें डाल दिए हैं तो फटाफट से थोड़ा पानी डाल के इस पर लगाएंगे ढक्कन फिर इसको अच्छे से पकने के बाद मज़े से खाएंगे। सो फ्रेंड्स अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी जब तक खाना बन रहा है तो गाइस मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ यार आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर हमने टेंट वगैरह लगा रखे हैं और मतलब कि और बार की लोकेशन से ये लोकेशन कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है और बिल्कुल ये मतलब कि घना जंगल है। सो गाइस आज डर काफ़ी लग रहा है काफ़ी तगड़ा डर भी लग रहा है हम लोगों को। तो गाइस मैं थोड़ा टेंट से थोड़ा सा मैं साइड आ रखा हूँ पर मैं ज़्यादा आगे भी नहीं जाऊँगा क्योंकि थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सामने का तो देखो यार बहुत ही घना जंगल है ऐसे वीडियो में तो दिख नहीं रहा होगा कुछ भी। यहाँ पर हमने अपना टेंट पिच कर रखा है यहाँ पर गाड़ियों की लाइट जला रखी है हमने और पूरा का पूरा घना जंगल है वाइल्ड क्या बोलूँ मैं अब। सो फ्रेंड जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा
कि ऐसे ही रात में नाइट में हम टेंट से थोड़ा बाहर चले गए थे, मतलब बाहर बोले तो टेंट के थोड़ा इधर उधर चले गए थे। तो गाइस जैसे हम टेंट से थोड़ा ही बाहर गए थे तो एक ऐसे ही गड्ढे पे सांप दिखा था हमें। सो गाइस आज बस यही दुआ करता हूँ कि आज कुछ ऐसा सीन ना हो हमारे साथ, क्योंकि यार देखो आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में हर जंगली जानवर बाहर निकलते हैं और ज़्यादातर सांप तो बारिश के मौसम में बाहर निकलते ही निकलते हैं। और गाइस बहुत ही तगड़ा मोटा सांप था पिछली वीडियो में, आप जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उन लोगों को तो पता ही होगा कि पिछली वीडियो में कैंपिंग करते टाइम सांप दिख गया था हमें। तो गाइस आज कुछ ऐसा सीन ना हो बस, बाकी आज की रात अच्छे से कट जाए, आज की नाइट बड़े अच्छे से कट जाए, बस यही दुआ करते हैं। अभी फटाफट से जब हमारा खाना बनने वाला है तो फिर हम खाना वाना खा के सीधा टेंट के अंदर सो जाएंगे, क्योंकि आज हम टेंट से ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस डरावना जंगल है और एक अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे यार। तो गाइस अब फटाफट से मैं भी यहाँ से चलता हूँ क्योंकि सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, आप लोग देख सकते हो बहुत ही डरावना और डेंजर जंगल है। सो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अभी जिस लोकेशन में और जिस जंगल में हम लोग खड़े हो रखे हैं, जिस जंगल में हमने अपना टेंट लगा रखा है, तो ये पूरा का पूरा एरिया टाइगर की रेंज में आता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर टाइगर और भालू का ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो गाइस ये पूरा का पूरा एरिया अभी टाइगर जोन में आता है और यहाँ लेपर्ड और भालू का खतरा बहुत ज़्यादा बनाए रहता है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा एकदम भी, मतलब बिल्कुल भी बेसुध होके नहीं सोने वाले हम, क्योंकि यार जंगल है और जंगल में जंगली जानवर रहता है और अपनी सेफ्टी के लिए तो हर कोई अटैक कर लेता है। अब हम इंसान हैं तो हम भी अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी किसी भी हद तक चले जाते हैं। सो गाइस वो तो बेजुबान जानवर है, तो हम यहाँ पे खाली अपनी कैंपिंग करके सुबह चुपचाप से निकल जाएंगे, ज़्यादा हम डीपली जंगल में नाइट में अंदर घुसने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को परेशान ना करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में देखा होगा आपने हमें सांप दिखा था तो सांप को भी हमने ज़्यादा छेड़ा नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग सांप को छेड़ते तो हमारे लिए दिक्कत परेशानी वाली बात थी, क्योंकि हम अगर जाहिर सी बात है हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसको जवाब देंगे ही देंगे। तो गाइस यार सामने से ना अजीब सी आवाज़ आ रही है मुझे, अजीब सी। तो गाइस डर भी बहुत ही तगड़ा वाला लग रहा है यार, एक बार आप सामने देखो यार, सो फ्रेंड्स वहाँ पे कुछ तो है, अजीब सी आवाज़ आई मुझे वहाँ से, सो फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, मुझे अभी कुछ दिखा वहाँ पे, सो फ्रेंड्स मैं फटाफट से यहाँ से चलता हूँ अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अपने टेंट के पास, क्योंकि मुझे वहाँ पे ठीक नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे मेरे दोस्त अभी सूट कर रहे हैं, तो हम फटाफट से हमारा जैसे खाना बनता है उसके बाद हम सीधा जाएंगे अपने टेंट के अंदर। एक टेंट यहाँ पे हमने पिच कर रखा है और एक जस्ट इसी के बगल में यहाँ पे पिच कर रखा है, तो रवि और विपिन भैया इस टेंट में सोने वाले हैं और मैं सोऊंगा इस पे। तो वैसे फटाफट से खाना देखते हैं कि बना कि नहीं बना, उसके बाद हम सीधा जाएंगे सोने के लिए। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो कितनी खिली खिली बिरयानी बनी है, तो एक बार इसको थोड़ा सा घुमा के देखते हैं, थोड़ा सा पकड़ियो थोड़ा सा। वाइज आप देख सकते हो कि अंदर से भी कितनी अच्छी खिली खिली बिरयानी बनी है। वाइज आप फटाफट से सर्व करते हैं और टेस्ट लेते हैं और फटाफट से खाते हैं। वाइज आप फटाफट से सर्व करते हैं, हमने बिरयानी सर्व कर दी है सबके लिए, तो विपिन भैया टेस्ट करने जा रहे हैं, तो विपिन भैया टेस्ट बताओ। बढ़िया, बहुत ही सुंदर। वैसे जंगल में कैसे बनाओ यार, खाने का स्वाद आता है जंगल में, पता है समझे भाई, जैसे घर पे नहीं बनता ना वो, जंगल में यहाँ पे अलग ही टेस्ट आता है यार। वही तो, क्या मजेदार बड़ी बिरयानी भाई, लिटरली गाइस आप सोच रहे हो खाली तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे गाइस सच बता रहा हूँ, कसम खा के बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। सो फ्रेंड्स अब मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ कि कैसी बनी है बिरयानी, क्या पता विपिन भैया दिल रखने के लिए ऐसे बोल रहे होंगे।
लिटरली गाइज यार एक नंबर की बिरयानी बन रखी है। सो फ्रेंड्स फटाफट से खाने को फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको। सो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अभी अपने टेंट के सामने। तो दूसरे टेंट में रवि भाई और विपिन भाई सो चुके हैं। तो गाइज अभी मैं इस टेंट में सोने जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटा सा टेंट है, इसमें मैं अकेला सोऊंगा और सारा सामान मैंने अंदर रख दिया है। तो गाइज अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है और खाना पीना खा के हम बिल्कुल सोने की तैयारी हो चुके हैं। तो गाइज अब फटाफट से सोने के लिए चलते हैं। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ अपने टेंट के अंदर और स्लीपिंग बैग के अंदर आ चुका हूँ मैं भी। तो गाइज लिटरली इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है यार कैंप के अंदर। स्लीपिंग बैग भी मैंने बंद नहीं कर रखा है, बस खाली ऐसे ओढ़ रखा है क्योंकि टेंट चारों तरफ से बंद है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इसके अंदर। सो गाइज खाना पीना खा तो लिया हम लोगों ने सबके सब, अभी टाइम भी अराउंड 10 बज चुके हैं। तो गाइज़ अब मिलता हूँ मैं आप सभी को मॉर्निंग, क्योंकि अब सोने की तैयारी हो चुकी है। तो गाइज़ तब तक के लिए गुड नाइट, अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा मॉर्निंग में। सो फ्रेंड्स अभी का सीन तो चाहिए कि जस्ट अभी मेरी आँख खुली। गाइज बाहर ना बहुत तेज पानी पड़ रहा है, बिकॉज आप बारिश की आवाज़ सुन रहे होंगे कितनी तेज़ बारिश आ रही है। तो मैंने जितना भी सामान बाहर रखा था मैंने लेकिन मैंने टाइम के अंदर रख दिया सारा का सारा सामान। और बिकॉज मैंने जो मेरा वाला जिस टाइम के अंदर मैं हूँ रवि का टाइम, ये थोड़ा सा मतलब है तो ये भी वाटर प्रूफ बट उतना वाटर प्रूफ है नहीं, तो इसके ऊपर मैंने तिरपाल चढ़ा दिया है। बस मेरा वाला टाइम वाटर प्रूफ है, इसके अंदर रवि और विपिन भी है। बाइज सबके सब अच्छे से स्लीपिंग बैग के अंदर आ चुके हैं क्योंकि हमारा स्लीपिंग बैग भी पूरा का पूरा वाटर 100% वाटर प्रूफ है। गाइस अगर पानी आया तो थोड़ा एकदम सेफ होंगे इसके अंदर। तो ये सब समझे होंगे बारिश के बाद से कितनी तेज बारिश होगी। तो फ्रेंड्स आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि कितना तेज बारिश हो रही है। गाइज अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अब बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि पूरे टेंट के अंदर पानी पानी घुस चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ भी पानी हो गया और इस साइड भी पानी पानी हो गया पूरा। तो गाइज आज हो चुकी है हमारी हालत ख़राब, तो आज इसके लिए यार आज की रात कट जाए बस, क्योंकि आज कैंपिंग करना बहुत भारी पड़ गया हमारे लिए। आप देख सकते हो पूरे टेंट के अंदर पानी पानी आ रहा है यार। हमें ना पूरे के पूरे 100% वाटर प्रूफ वाले टेंट लाने पड़ेंगे क्योंकि ये टेंट झेल नहीं पा रहा पानी को। तो गाइस जैसे तैसे बस आज की रात कट जाए क्योंकि टाइम भी अभी 3:30 बज रहे अभी। तो गाइस रात के 3:30 बज रहे और बारिश ने दिखा दिया अपने रंग और हमारी हालत हो चुकी है बहुत ही गंदी तरीके से ख़राब। गाइस अब तो नींद तो क्या ही आएगी बारिश की वजह से, बट मैं फिर भी बारिश रुकने तक का वेट करता हूँ क्योंकि ऊपर से तो मेरा टेंट सेफ है हल्का फुल्का, बिकॉज यहाँ पानी घुस चुका है। पानी घुस चुका है टाइम हो चुका है 4:30 एडवॉक्स 5 बजने को आ गए हैं। तो गाइस 3:30 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी और अब 4:30 से 5 बजने वाले हैं। बारिश को 1.5 घंटे को हो चुकी है, बारिश को कंटिन्यू 1.5 घंटे से बारिश लगी हुई है। और अब तो गाइस ऐसा लग रहा है कि हमारे टेंट भी हमारे साथ छोड़ने वाले हैं क्योंकि यार हमारे, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था, बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा टेंट वाटर प्रूफ नहीं है, ये समर वाले टेंट लाए थे हम लोग। तो गाइस फिलहाल तो 1.5 घंटे तक तो अभी हल्का फुल्का पानी तो घुसना स्टार्ट हो चुका है, तो 1.5 घंटे तक तो वाटर को झेल लिया है टेंट में।
सर, बिकॉज अगर बारिश आधा घंटा या फिर एक घंटा और ऐसे ही कंटिन्यू चलती रही ना तो पूरे टाइम में पानी बढ़ जाएगा। बिकॉज देखते हैं, बस बारिश बंद होने का वेट कर रहा हूँ। आज बहुत ही बंदे फंस चुके हैं भाई। जब नेक्स्ट टाइम तक कैंपिंग में आए तो अब सीधा पहले मार्केट जाके टैंक लेंगे। सो गाइज, अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी का सीन देखो आप लोग यार, कितना खूबसूरत दिख रहा है। पूरा चारों की चारों तरफ बारिश ही बारिश, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ मेरा टेंट था और इधर रवि भाई का टेंट था, और मैंने तो अपने टेंट के ऊपर तिरपाल लगाया था, फिर भी थोड़ा बहुत अंदर पानी चला गया था। और भाई साहब ये देखो, तुम खतरनाक वाला सीन हो रखा है, पूरा का अंदर पानी पानी जा चुका है। और अभी वही तो मैं टेंट के बाहर आ चुका हूँ, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो मॉर्निंग हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30, और आप देख सकते हो मेरे पीछे के हमने यहाँ पे अपना टेंट पिच करा था, और चारों तरफ पूरी तगड़ी खतरनाक बारिश लगी है। तकरीबन 3 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी, तो अभी 6:30 हो चुका है, तो 3.5 घंटे से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो हम पहले बारिश रुकने का वेट कर रहे थे, तो गाइस अभी बारिश तो रुक नहीं पा रही है। तो गाइस अब ऐसे ही बारिश में सामान वगैरह पैक करते हैं और फटाफट चलते हैं अपने घर। तो गाइस अब फटाफट सामान पैक करते हैं, टेंट पैक करते हुए तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो गाइस अभी नहीं, ज़्यादा वेट ना करते हुए फटाफट से पहले अपना सामान पैक करते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। सुबह के 6:30 हो गया टाइम, और चारों तरफ बारिश का पूरा सन्नाटा छा रखा है। आप देख सकते हो यार कितनी तगड़ी बारिश हो रही है।